गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आपका ये टेस्ट नंबर 5 है और आज तक मैंने आपको 4 टेस्ट क्लियर करवा चुके हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा, रिवीजन करेगा। आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए प्रैक्टिस सेट की, तो कहीं से कोई सा भी प्रैक्टिस सेट मिले, आप अपनी नॉलेज को जरूर परखिएगा कि आप कहाँ पर कितना सही कर रहे हैं। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है, ये जो शुड नॉट हैड लिखा हुआ है इस जगह पर क्या आएगा? He should not had done it। इन 4 ऑप्शन को पढ़िएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको जवाब देना है। Should not have, देखिएगा should not had जो लिखा हुआ है क्या ये सही है या फिर गलत है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा ये क्या होता है, He should not had, याद रखिए कभी भी should not हो, would not हो, कोई भी मॉडल है तो इसके बाद अगर वर्ब इस्तेमाल होती है तो वो had नहीं have होती है। क्या होती है? Have। तो हैव वाला ऑप्शन क्या है, ये है, ये नहीं है और ना ही ये है। अब देखो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो इसलिए आपको शुड नॉट ही देखना है, ठीक है। हैड की जगह पर हैव आ जाएगा, तो याद रखना शुड के बाद अगर वर्ब आएगा तो हैव आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई ग्रू अप इन अ टाइनी टाउन कॉल्ड अलवर, यानी वो ये कह रहा है कि आई ग्रू में जहाँ बड़ा हुआ था वो अलवर कहलाता है, और यहाँ पर अटानी टाउन बहुत छोटा सा क्या था, वो कस्बा था जहाँ पर मैं बड़ा हुआ। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है अ टाइनी टाउन लिखा हुआ है, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो देखिएगा कोई भी अगर टाउन हो तो वो टाइनी नहीं होता, वो स्मॉल होता है। तो टाउन अगर छोटा है तो स्मॉल लगाइए, इसलिए आपका सी वाला हो जाएगा, टाइनी नहीं लगाते। अगर कोई कस्बा छोटा है तो स्मॉल लगाते हैं, टाइनी नहीं लगाते। आगे देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट में बात करते जाऊंगा आपसे। आगे क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, यानी ऐसा छात्र जो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, बहुत अच्छा मैक्सिमम मार्क्स लाएगा, विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, उसको क्या है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ऐसे में आप याद रखें लगातार 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, तो ऐसे में क्या होगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, तो ऐसे में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसे आप प्रेजेंट में बनाइएगा। तो प्रेजेंट में कैसे बनेगा, स्टूडेंट सिंगुलर, इसलिए हु के बाद जो ये वर्ब आएगा ना, ये भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इस पूरे की जगह पर यदि मैं पहले वाले ऑप्शन को रख देता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्र जो मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे, स्कोर करेंगे, उनके लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आते। आ भी जाएँ तो हु वाले को आप चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। और आपको पता है ना कि हु अगर मैं यहाँ बीच में लगा भी दूंगा तो हु से पहले जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा हु के बाद आने वाली वर्ब। स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए स्कोर्स आएगा। फाइनली आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है और वो ये है कि माई अंकल इज इनफ रिच टू बाई अ कार, यानी मेरे अंकल जो है, मेरे चाचा जी, वो खूब पैसे वाले हैं, इतने हैं कि वो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपसे पूछा है इनफ रिच, क्या ये सही लिखा है? तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमेशा आप एक सेंटेंस याद रखें, गुड इनफ। क्या? गुड इनफ, ठीक है, गुड इनफ याद रखेंगे आप। ये एक एडजेक्टिव है, तो याद रखिए कभी भी एडजेक्टिव और इनफ का अगर जोड़ा चलेगा तो पहले एडजेक्टिव आता है, बाद में इनफ आता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, रिच एक एडजेक्टिव है और इनफ है, लेकिन जोड़ा क्या होता है, पहले एडजेक्टिव फिर इनफ आता है, तो इनफ रिच नहीं, रिच इनफ आना चाहिए। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आप पूछेंगे सर जी अगर नाउन आए तो नाउन आए तो नाउन बाद में आता है, ठीक है, नाउन इनफ के बाद में आता है और इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है। और वैसे भी आप देख लीजिएगा ए बी सी डी में ए पहले आएगा, एन बाद में आएगा, तो इनफ बीच में हो जाएगा, तो एडजेक्टिव पहले लगाया जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। आगे आपसे पूछा है व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने दोस्त को कब लिखने वाले हो। तो यहाँ पर बाला वाली का जब भी कभी सेंस होता है तो याद रखिएगा गोइंग टू जो अगर लग जाए कहीं पर गोइंग टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इस गोइंग टू का मतलब होता है बाला वाली, ठीक है। अबाउट टू, गोइंग टू अगर आ जाए तो उसका मतलब बाला वाली होता है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग जो लिखा हुआ है,
इसकी जगह पर आप स्टार्टिंग टू की जगह पर करिएगा, स्टार्टिंग है ना खाली, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है तो इसकी जगह पर आप गोइंग लगा दीजिएगा, तो ये काटिएगा। तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त को कब लिखने वाले हो, तो ये याद हो जाएगा, स्टार्टिंग टू नहीं होता, इज दैट क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, इस तरह से। तो फाइनली आपका इसकी जगह पर बी वाला आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक, मतलब मैं राइड करना पसंद करूंगा वॉकिंग की बजाय। तो कभी भी, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर प्रीफर कभी भी आ जाए तो प्रीफर के साथ में जो कंजंक्शन चलता है वो टू चलता है तुलना के लिए, ना कि देन। तो टू वाला देखिएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये ए और सी में से आ सकता है। तो इन्हें आप कैसे सही करेंगे देखिएगा, याद रखिएगा, अगर कभी वर्ब को जोड़ा जाए, प्रीफर वर्ब आ रही है, आगे आपको टू कंजंक्शन लगाना है, तो अगर वर्ब, अगर इससे आगे भी वर्ब है और इसके बाद भी वर्ब है, तो ऐसे में आप इन वर्ब को जीरंड की फॉर्म में रखेंगे। किसकी फॉर्म में? जीरंड की फॉर्म में। और जीरंड बोलता है आई एन जी, क्या जीरंड का मतलब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो फाइनली आपका सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिए, प्रीफर के साथ में कंपैरिजन के लिए टू चलता है, अगर कभी वर्ब आ रही है तो वर्ब जीरंड की फॉर्म में आती है, टू से पहले और टू के बाद। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपसे एक और सवाल पूछा है, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, यानी कि अब मुझे जरूरत है, क्या आप कुछ मुझे रुपया दे दोगे, है ना, उधार दोगे। तो ऐसे में यहाँ पर फ्यू रुपीज की जगह पर आपको इन चार ऑप्शन में से भरना है। देखिएगा, याद रखिए, कभी भी फ्यू आ जाए या लिटिल आ जाए, तो याद ये रखना है कि फ्यू या लिटिल ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। अब यदि आप किसी से कुछ पैसे उधार मांगोगे तो कुछ तो ज़्यादा ही पैसा मांगोगे ना, अब फ्यू तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यू में तो कुछ भी नहीं आएगा। आपको मांगने 1000 रुपये और वो दे रहा है आपको 50 पैसा, 1 रुपया, तो बताओ, तो ना के बराबर हुआ ना। जिससे आपकी ज़रूरत ना हो वहाँ पर, जिससे आपका काम ना चल सके, वहाँ पर फ्यू या लिटिल लगाते हैं। लेकिन क्योंकि आप पैसे उधार ले रहे हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अभी ज़रूरत है, तो ऐसे में भैया आपको पैसा कम से कम सफिशेंट तो चाहिए भाई, 1000 नहीं है तो 500-600 तो दे दो। तो ऐसे केस में अफ्यू लगता है, फ्यू नहीं लगता, फ्यू नेगेटिव होता है। पैसे ले रहे हैं तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, तो ए फ्यू आएगा, तो ए फ्यू के बाद ये प्लूरल चलता है, तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये आ जाएगा। तो अफ्यू रुपीज, सी वाला आपका ठीक हो जाएगा। आगे अगर बोलता जितना आपके पास है वो सारा पैसा दे दो, तो ऐसे में फिर वो बोलता है आगे, तब आपको दा लगाना। ये मैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने बच्चे सच में सीरियस हैं। तो वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, आपके कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे आपसे पूछा है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। वो ये कह रहा है कि भैया भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 60% से ज़्यादा तो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। तो याद रखिएगा, कभी भी जैसे अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे की अगर बात की जाए तो लिव अंडर नहीं होता, लिव बिलो होता है। लिव अंडर नहीं होता, लिव बिलो होता है। तो इसलिए याद रखना, गरीबी रेखा से नीचे लिव बिलो होता है, लिव अंडर नहीं होता। तो फाइनली आपका ए वाला राइट आंसर होता है। ऑडासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इस ऑडासिटी पर बताना है आपको ये क्या होगा। देखिए, ये पूरा प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब जो होता है वो फिक्स होता है, आपको याद ही करना होता है। तो मदर ऑफ इन्वेंशन नहीं, नहीं, वो नेसेसिटी होता है, पढ़ा है ना आपने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो फिक्स है, इसलिए आपको बी वाला याद कर लेना है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे देखिए। अब मैं कुछ जीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपके पेपर को देखते हुए पूरा मसाला यहाँ पर दिया जा रहा है। असम राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दिया, कि भाई 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, ये असम राज्य सरकार ने घोषणा कर दी। तो याद रखिएगा, 1000 नए एकदम डिजिटल मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं, ये आपके असम सरकार। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखना, कभी भी अगर विश्व की बात की जाए और पूछा जाए सबसे ऊंचा,
विश्व में तो भारत का भी सबसे ऊंचा, याद रखना वो लद्दाख ही आंसर होगा, चाहे कुछ भी बने, क्योंकि जो भी चीज़ बनेगा ऊंचे पर वो लद्दाख में ही बनेगा, बाकी लद्दाख से सारी चीज़ें जो है वो नीचे हैं। तो लद्दाख आता है हर चीज़ में। आगे देखिएगा, मेरा काम मेरा मान जो योजना है, प्लान है, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो मेरा काम मेरा मान ये है आपका पंजाब गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाया। एग्जाम में योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं। केरल सरकार ने महिला मच्छी विक्रेताओं के लिए निशुल्क बस सेवा शुरुआत कर दिया, यानी कि केरल की सरकार ने ये बोल दिया है कि जितनी भी महिलाएं जो मछलियां बेचती हैं वो बस में फ्री में यात्रा कर सकती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया काम कर दिया है केरल सरकार ने। आगे देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना का जो खेल है, सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम किसका है, सेना का खेल संस्थान है, उसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया है। आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, इसका नाम है नियोबोल्ट, ये विकसित किया है। तो नियोबोल्ट क्या है ये आपको याद होना चाहिए, ये मोटर चलित व्हील चेयर है जो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा कर दी है, तो हस्तशिल्प पार्क जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। पूछा जाए कि यूपी का पहला आयुष विद्यालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये गोरखपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, यूपी का पहला आयुष विद्यालय कहाँ पर है, ये विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर बनाया जा रहा है। तो इन सारे ही सवालों को आपको लगातार याद रख लेना है। तो कल मुझे एक सजेशन मिला था, सर आप एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दिया करें, तो करवा देते हैं सर आपको। देखो, शुड नॉट वुड नॉट कभी भी आए तो यहाँ पर वर्ब में हैव लगाते हैं, तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव है तो नहीं, ये तो आएगा नहीं, इसलिए ये वाला आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, आई ग्रू अप इन अ टाइनी टाउन, कोई भी जो कस्बा होता है वो छोटा कर सेंस आ रहा हो तो स्मॉल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा, मैंने बोला कि द स्टूडेंट्स हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विल गेट अ सर्टिफिकेट। कभी भी जब दो लगातार फ्यूचर आए तो ऐसे में याद रखना हु के जो साथ में फ्यूचर है फर्स्ट वाले उसे चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो। आपसे पूछा जाएगा, कभी भी इनफ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, गुड इनफ। तो मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगता है, तो रिच के बाद में इनफ आएगा, तो हटाओ, तो इसलिए आपका रिच इनफ हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं पूछा आपसे कि कभी भी व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड्स, मतलब आप अपने दोस्तों को कब लिखने वाले हो, तो बाला वाली का अगर सेंस आता है तो वहां पर गोइंग टू लगा जाता है। आगे देखिए, आगे ये मैंने आपको बताया था, प्रीफर जब भी आ जाए तो कंपैरिजन में हमेशा टू लगा देते हैं, ठीक है, देन नहीं टू लगाते हैं, तो देन वाला ये तो खत्म हो जाएगा। अगर उनसे पहले अगर वर्ब दे रखी है तो फिर उन्हें जीरंड की फॉर्म में लिखा जाता है। तो दो चीज़ याद रखो, प्रीफर में कंपैरिजन में टू लगाते हैं, अगर वर्ब के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो उन्हें आप जीरंड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, व्हेन विल यू लैंड बी फ्यू रुपीज इन द आवर ऑफ नीड, मैंने ये बताया था कि जब भी, अब वो ये कह रहा है कि आप मुझे जो मुझे अभी ज़रूरत है कुछ पैसों की, तो भाई वो मुझे उधार दे दीजिएगा। तो आप अगर पैसे उधार लेंगे तो कुछ तो लेंगे ना, तो फ्यू तो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर अफ्यू लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अनलेस वाला मैंने आपसे पूछा है, आपने अगर जवाब नहीं दिया तो ये गलत बात है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे की बात कर रहा है, तो अगर पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा से अगर नीचे जीवन यापन हो रहा है, तो नीचे जीना मतलब लिव बिलो होता है, अंडर नहीं होता। ऑडासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन नहीं होता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन होता है। ये मैंने बता दिया था, असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी बनाने की घोषणा कर दी। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया जाएगा। मेरा काम मेरा मान पंजाब गवर्नमेंट की योजना है। केरल सरकार ने बोला है कि महिलाएं जो मछली बेचती हैं केरल के अंदर उनको निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी, फ्री में आ जाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे का सेना का स्कूल है खेल संस्थान, उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। आईआईटी मद्रास ने मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट विकसित की है, यहाँ पे याद रखें। उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क जो है उत्तर प्रदेश में बनाने की घोषणा की है। यूपी का पहला आयुष
विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर में बनाया जाएगा। तो ये आपके कहने पर मैंने रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपका ये टेस्ट नंबर 5 भी बहुत अच्छा गया होगा। तो टेस्ट है ठीक है, इन सभी को आप एक बार टेस्ट फटाफट से स्पीड बढ़ा करके सभी टेस्ट को आप लगा लीजिए, 1 2 3 4 ये 5वां। और सभी का मैंने PDF से वो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।